क्या हुआ डॉक्टर? जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मामला टेढ़ा है। दिशा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मीतू, तुम्हें नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है। तुम धीरे धीरे नींद की तरफ जा रही हो। अब तुम्हें नींद आ चुकी, तुम्हें नींद आ चुकी। तुम अपनी दीदी के पास जाओ और पता करो किसने उसे अपने कब्जे में कर रखा है। दीदी, दिशा दीदी, कहाँ हो आप? दीदी, कहाँ हो आप? दिशा दीदी, दीदी, दिशा दीदी, नीतू, दीदी, मैं आ गई दीदी, लेकिन आपकी हालत, ये हालत कैसे? नीतू, वो वाले ना, वाले टारों कर रहे ना, वो ही ऐसा कर रहा है। नीतू, मुझे बचा ले नीतू। अच्छा, सुनो, बाकी सारी बातें बाद में, अभी हमें यहाँ से निकलना है। चलो, खड़े हो। हाँ, हाँ, मैं आदेश देता हूं, जो कोई भी इसके अंदर है वो अभी इसी वक्त इसे छोड़कर चला जाए। हो गया तेरा? बस इतनी शक्ति है? अब मेरी शक्ति देख। अगली बार अगर बीच में आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाग जा यहाँ से, भाग, 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 भाग। नहीं करेगी अपनी बेटी को बचाने के लिए तू? कोई नहीं बचा सकता तेरी बेटी को। बोल जा, कोई नहीं बचा सकता। जोसे, मैं छोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। छोड़ दो मेरी बेटियों को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटियों को। भूल जा, कहीं ऐसा ना हो अपनी उस बेटी को बचाने के चक्कर में तू अपनी इस बेटी को भी खो दे। भूल जा, छोड़ दो मेरी बेटी।
बेटियों को, मत क्यों छोड़ दो मेरी बेटी। नहीं मानेगी ना तू ऐसा है? नहीं मानेगी ना? क्या लगा उसे कि वो किसी डॉक्टर को बुलाकर अपनी बेटियों को मुझसे बचा लेगी? उस डॉक्टर की मदद से वो बाली की ताकत का सामना करेगी? अरे वो बेवकूफ ये भी नहीं जानती कि बाली जो चाहता है वही होता है। अब तक तो उस लड़की के साथ साथ उसकी मां की अक्ल भी ठिकाने आ गई होगी। बाली को उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जाओ और जाकर दिशा को लेकर आओ। बेटा तो ठीक तो है ना? सारी गलती मेरी है। मैंने तेरी बात मानकर तुझे सब कुछ करने नहीं देना चाहिए था, और उस डॉक्टर के बातों में भी आ गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, जो हो गया सो हो गया, बस अब और नहीं। अब भूल जाओ सब कुछ, अब भूल जाओ। मतलब मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। बेटा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, नहीं करना है सब कुछ। बेटे, पहले ही दिशा को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था मुझसे, और अब तुझे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती मैं। नहीं सह सकती सब कुछ, नहीं होगा मेरे से। तुझे खोना नहीं चाहती बेटा, नहीं खोना चाहती। दिशा जैसी भी है, जिस हालत में है, कम से कम हमारे साथ तो है बेटा। हाँ नहीं नहीं, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना हमें। भूल जाओ सब कुछ, तुम भूल जाओ सब कुछ। माँ ऐसी बातें मत करो माँ, दिशा दीदी को कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं दीदी को। माँ देखना, तो मैं लाऊंगी दीदी को। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना कुछ भी। बहुत कुछ सह चुके हैं हम। कहना क्या चाहती हो? छोड़ दो दिशा दीदी को ऐसी मरने के लिए। जिसने मेरी दीदी की ये हालत की है, उसे नहीं छोड़ूंगी माँ। मैं चुप नहीं रहूंगी माँ, मैं दिशा दीदी को वापस ला के रहूंगी माँ। तुम देखना, वापस ला के रहूंगी। ये सब कुछ तो अकेले कैसे करेगी? हमारी मदद कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं किसी भी हालत में यह दोबारा नहीं करने वाला। एक बार इस मामले में हाथ डालने का अंजाम देख चुका हूँ। आप लोग प्लीज किसी और से मदद मांगिए, प्लीज। लेकिन डॉक्टर आप भी, आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। मेरी सारी स्टडीज, सारी नॉलेज उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। मैं क्या? कोई भी उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता। मुझे अपनी जान नहीं गंवानी, आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आप पीछे हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, लेकिन
मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप कर सकते हैं। हम तो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि दिशा दी को हुआ क्या है, और जो डॉक्टर पहले आए थे वो तक इस वजह को नहीं बता पाए थे, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से डॉक्टर, सिर्फ आपकी वजह से हमें ये समझ में आया कि दिशा दी को हुआ क्या है, और सिर्फ आप ही की वजह से मैं दिशा दी तक पहुंच भी पाई थी, नहीं तो शायद मैं उनकी आवाज़ भी नहीं सुन पाती। डॉक्टर दिशा दी बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ मेरी दी को बचा लीजिए प्लीज़। डॉक्टर अगर दी की जगह, अगर दी की जगह आपकी बेटी होती तो भी क्या आप यही करते? ठीक, मैं तैयार हूं, लेकिन इसके लिए हमें कोई और ही रास्ता अपनाना होगा। सब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? दिशा किसी के कैद में है। कहां है, क्यों है, किसके कब्जे में है, इसके पीछे उसके क्या इरादे हैं, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते दिशा की आत्मा को वापस नहीं लाया जा सकता। इन सवालों के जवाब हमें सिर्फ उन शैतानी आत्माओं से ही मिल सकती है। लेकिन किसकी आत्मा है वो? ये हमें नहीं पता, पर जो भी है बहुत खतरनाक है। ये हमने पिछली बार देखा है जब वो मीतू के शरीर में आई थी। हमें उस आत्मा को दोबारा मीतू के शरीर में बुलाना होगा। हम उसे मजबूर कर देंगे कि वो इसके शरीर में आए और हमें सारे सवालों के जवाब दे। लेकिन मीतू को कुछ होगा तो नहीं ना? आप घबराइए मत, पिछले बार हमने तैयारी नहीं किया था, पर इस बार हमें उसकी ताकत का अंदाजा है। हम तैयार हैं, हम उस आत्मा को मजबूर कर देंगे कि वो मीतू के शरीर में आए और हमारे वश में हो जाए। जब हम उस पर काबू पा लेंगे तो उससे सारे सवालों के जवाब निकलवा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मीतू, मां तुम चिंता मत करो, से कुछ नहीं होगा। आप शुरू कीजिए डॉक्टर, मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं आदेश देता हूं, तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, मीतू के शरीर में प्रवेश करो। ए! तुम्हें मीतू के शरीर में आना होगा। आ! तुम्हें मीतू के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। तुम मेरे वश में हो, मैं मजबूर कर दूंगा, तुम्हें अपने कब्जे में कर लूंगा। है, तुम्हें आना होगा, आओ। Thank you.
मना किया था ना तुझे, किया था ना मना, बेवकूफों की बातों में आकर चला है ना फिर से मंडा तू। और तू लगता है तुझे अपनी बेटियों से प्यार नहीं है हा? पिछली बार तेरे एक बार भीख मांगने की वजह से तूने तेरी बेटी को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार तेरी इस गलती की सजा तेरी दोनों बेटियों को मिलेगी। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे, सब मारे जाएंगे, नहीं छोड़ोगे तुझे मैं। छोड़ दो मुझे, मैं जो पूछूंगा वो बताओगी? सब कुछ बताओगी, छोड़ दो मुझे। अभी के अभी तुम मीतू के शरीर को छोड़कर मेरे सामने आओ, मेरे सवालों का जवाब दे। मीतू, 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 मीतू क्या हुआ बेटा? मीतू, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह ग्लोब के फल फलाने का मतलब है कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, कोई तो गड़बड़ जरूर है। इसके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे? वो टैरो कार्ड रीडिंग करके सबको भविष्य बताता है। ये तो मैं पहले ही जान चुका था कि वो धोखेबाज है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि असलियत में वो है कौन, उसकी असली पहचान क्या है। वो इससे पहले छोटा मोटा तांत्रिक था, छोटे मोटे हवन किया करता था। फिर एक दिन उसे एक पुरानी लाल किताब मिली है। लाल किताब? क्या लिखा था उस लाल किताब में? उसमें ऐसी शक्तियां पाने की तंत्र क्रिया थी जिसको पाने के बाद धरती में गड़ा खजाना दिखाई देने लगता। फिर क्या, उस किताब की शक्तियों को पाना इतना आसान नहीं था। उन शक्तियों को पाने के लिए 21 दिनों तक लगातार लगातार तंत्र करना था। अम्बाली बिना पल के झपकाए लगातार 20 दिनों तक तंत्र करता रहा। बस बस एक दिन दूर था वो अपने मकसद से, तब तब आया वो 21वां दिन। शुरू से क्या हो गया? ये क्या किया मैंने? तो इसका मतलब उसका तंत्र पूरा नहीं हो सका? नहीं, नहीं हुआ। लेकिन सिद्धियों के गलत हो जाने के कारण बाली अपने आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। लेकिन बाली की आंखों से मेरी बेटी का क्या लेना देना है?
उसने तंत्र की विद्या से गई अपनी आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए तंत्र का ही सहारा लेने का फैसला किया। क्या मतलब? बाली जिंदा इंसान के शरीर में से उसकी आत्मा को खींच कर निकाल लाता था और उनसे वो एक ग्लोब को चार्ज करता था। इसीलिए मेरी दिशा दीदी की आत्मा भी कमजोर हो गई थी। हाँ, और उसका पहला शिकार थी मैं। लेकिन वो इन शक्तियों का करता क्या है? क्यों कैद करता है उस ग्लोब में? उस ग्लोब में कैद दूसरी आत्माओं की शक्तियों की वजह से बाली की आंखों को रोशनी मिलती थी, उसे दिखाई देने लगता था। लेकिन उस ग्लोब का असर उस कमरे से बाहर नहीं होता था, इसीलिए बाली अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। और अपनी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए बाली दूसरे शरीर की आत्माओं को अपने तक लेके आता था, जिससे वो ग्लोब चार्ज करता था। हे भगवान, उस नीच इंसान ने अपनी आंखों के लिए मेरे बेटे को। फिर उन आत्माओं का क्या करता है? फिर जैसे उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती थी और वो जब उस ग्लोब को चार्ज नहीं कर पाते थे तो उनको एक पुतले में कैद करके अपने कमरे में ही रख लेता था। देखना, जल्द ही ऐसी 1000 आत्माएं ऐसे ही पुतलों में कैद हो जाएगी और फिर मैं वो सिद्धि पूरी करूंगा जो मुझसे अधूरी रह गई थी, और फिर मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मुझे वापस मिल जाएगी। मेरी आंखें मुझे वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब वो अपना मकसद पूरा करने के लिए टैरो कार्ड रीडर बना हुआ है। हाँ, क्योंकि बाली को समझ में आ गया था कि टैरो कार्ड रीडर बनकर ही इस काम को आसानी से किया जा सकता है। खास तौर से कॉलेज जाने वाले जवान लड़के लड़कियां टैरो कार्ड रीडिंग को बहुत मानते हैं, जिससे बाली को जवान आत्माएं मिलती थी और इसी अच्छी शक्तियों से बाली की आंखों की रोशनी वापस आई। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। मैं जितना जानती थी मैं तुमको सब बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। देखो, मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बाली का मुकाबला कर सकूं या फिर दिशा को बचा सकूं। एक रास्ता है, तुम्हें टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के बहाने उसके पास जाना होगा। तो तुम अपना फ्यूचर जानना चाहती हो? पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इन कार्ड्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा फ्यूचर इन कार्ड्स में नहीं बल्कि मेरे इन हाथों में है। तू क्या समझी थी कि मुझे बेवकूफ बना लेगी? हैरानी हो रही है तुझे कि मुझे कैसे पता चल गया कि तू यहां आने वाली है? मैं उन्हें झूठा वादा देके आई हूँ कि मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। वो डॉक्टर आपको मारने का प्लान बना रहा है, इसीलिए वो मीतू को धोखे से यहाँ भेजने वाला है। मुझे बेवकूफ बनाने चली थी, आई थी अपनी बहन को बचाने और खुद मेरे ही जाल में फंस गई। ले जाओ इसे और कैद करता। हिम्मत है तुझमें? अरे, मुझे मारने का प्लान करके तू मेरे सामने ही चला आया। अरे, तू जानता नहीं बाली की ताकत को।
तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, कुछ नहीं। अक्सर बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ में नहीं आता। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है बाली, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफी है। तेरा भेजा हुआ मोहरा मेरे कब्जे में आ चुका है, और वो तेरी मितू, वो भी मेरी कैद में है। यही तो मैं चाहता था। उस शैतानी आत्मा को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो तुझे आकर जरूर बताएगी कि मीतू यहां आने वाली है। यही तो मेरा प्लान था कि तुझे ये पता चले, और जब मीतू यहां आए तो तू उसकी आत्मा को भी दिशा की आत्मा के पास पहुंचा दे, जहां हम पहुंच नहीं सकते। क्या हुआ बाली, तूने तो सिर्फ मेरी योजना को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की, आगे का प्लान अपनी जगह पर अभी तक शुरू हो चुका होगा। दीदी, मैं आज आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, लेकिन सब बात में चल आओ चल। बरसों की मेहनत तो इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। ओवर कॉन्फिडेंस ताकत नहीं, बेवकूफी है। डॉक्टर, उन दोनों लड़कियों को तो तूने बचा लिया, लेकिन तुझे बाली से कौन बचाएगा? तू मरेगा डॉक्टर, तू नहीं बचेगा। डॉक्टर, मुझे खुशी है कि हमने दिशा दीदी के साथ साथ बाकी सबको भी इस कैद से आजाद करवाया, लेकिन अगर आप नहीं होते तो शायद ये सब मुमकिन नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी को मैंने नहीं, तुमने खुद बचाया है, वेल डन। वैसे भी मुझे पूरा यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई को कभी अपने अंदर कैद नहीं कर सकती।